So what? वेलकम बैक। तो फिलहाल गाइस सबको गुड मॉर्निंग। अभी सुबह तो 8, तो आज हम लोग जा रहे हैं वो जो अपना पिछला ब्लॉग था अम्मा मित्तुमारी अम्मा मंदिर। मंदिर ऐसा है कि मेरे से उच्चारण नहीं होता, तो उधर जो विनीत भाई ने जो कंगन बनवाया था, तो कंगन बनवाने के बाद 7 दिन का उपवास रहता है। उपवास मतलब ऐसा नहीं कि खाना पीना नहीं, वो उपवास का खाना रहता है, वही सब रहता है। तो आज वो उपवास ख़त्म होने वाला है, तो आज जो पूजा वूजा होगा उधर डेली वेली निकलेगा, तो उधर ही जा रहे हैं विनीत भाई के। आज का ब्लॉग कुछ क्रेजी होने वाला है, बहुत हार्ड हार्ड सीन होने वाला है। आज का पूजा होगा त्रिशूल पूजा, तो आज बोले तो ब्लॉग पे बने रहिए, आगे पता चल जाएगा कि कैसा क्या है, क्या नहीं, कैसा पूजा होता है। मुझे भी नहीं पता, मेरे मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, लेकिन ये पूजा ही इतना भयंकर है कि मैं मिस नहीं कर रहा है। तो आज काम पे भी नहीं गया, कर दिया, क्योंकि 7 दिन में एक छुट्टी ले सकते हैं आप। तो आगे मिलते हैं आपसे। फिलहाल इधर है स्टेशन, देख सकते हैं ऑटो अभी इधर खड़ा है, क्योंकि अभी सुबह 8 बजे हैं, 10 बजे 11 बजे सब ऑटो खाली हो जाता है ये सब, क्योंकि अभी मुंबई खुलने में लगभग 10 से 11 बजे पूरी मुंबई खुलती है। अभी मैं स्टेशन पैदल ही जा रहा है, इधर स्टेशन पैदल जा रहा है, क्योंकि ऑटो का बहुत भाड़ा है भाई। अभी इधर से अगर मैं जाऊँगा तो 30 रुपये 40 रुपये लग जाएंगे 2 किलोमीटर के, तो उसमें रही है नहीं, हम तो गरीब आदमी थे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आगे स्टेशन पे, और वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत तगड़ा होने वाला है, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि त्रिशूल पूजा ऐसा हो ही रहा है, ऐसा होता ही है थोड़ा मोड़ा जो मैंने सुना है, जो मिठाई ने बोला है। बाकी बात आप बने रहिए, आपको तो दिखेगा ही कैसा है, कैसा नहीं, क्या नहीं। और अभी फिलहाल हम नाश्ता उसका करके रेडी हो गया, आपको पीछे दिखाएँ भैया नाश्ता किए थे, तो वो 15 रुपये का पाव था, 5-6 भजिया देता है उसमें एक पाव देता है। बॉम्बे में स्ट्रीट फूड बहुत सारे हैं, तो अभी धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा कितने स्ट्रीट फूड है, कैसे कैसे क्या है, क्या नहीं। खास कर ये इधर अभी ऑटो चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड आता होगा, और मैं जल्दी माइक उक लूँगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाइए रखिए, तो माइक उक लूँगा, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज आता है, और वो माइक ले लूँ तो फिर सही रहेगा। चलिए मिलते हैं। सीन ये है गाइस कि अभी हम नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं, ये है भजिया पाव, बहुत आइटम है इधर, बॉम्बे है ना, स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है। नाश्ता करके आगे मिलते हैं गाइस। देख सकते हैं गाइस इधर से 1.5 किलोमीटर और स्टेशन, मैं फुटपाथ पे चलता हूँ, पब्लिक में मेरे को थोड़ा हिचकिचाहट होता है, क्योंकि अभी न्यू एक्सपीरियंस नहीं है, तो धीरे धीरे होगा वो भी, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े। हाँ, पब्लिक लोग हैं अपने साथ, तो चलते हैं। भीड़ कम है गाइस, देख सकते हैं आज पब्लिक लोग कम है। आज हम लोग ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो दिखाया था अगले ब्लॉग पे, ये दिखाने का जरूरत है नहीं, भी दिखा देता हूँ। इधर से भी जा सकते हैं, इधर से फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं के बाहर। इधर मैं ऑटो का वेट कर रहा हूँ, शेयरिंग ऑटो मिल जाए तो, क्योंकि ऐसा शेयरिंग ऑटो नहीं लूँगा तो बहुत ज़्यादा भाड़ा लगेगा। आप देखते हैं दूसरा तो ठीक है, नहीं तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से पूजा शुरू होगा। ये अपनी गाड़ी है, देख सकते हैं,
और जो मैंने बताया था कि विनीत भाई आज अपना उपवास तोड़ेंगे, तो आज वो उपवास ख़त्म होने वाला उनका। तो ये जो फील्ड है इधर से क्या क्या होगा, क्या बोलते हो उसको, ऐसा वैसा क्या गाड़ी खींचेगा, ऐसा वैसा कुछ मालूम नहीं मेरे को, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। फ़िलहाल अभी ये गाड़ी है, अपनी गाड़ी है, विनीत भाई लेके आए, और बने रहिए वीडियो, फिर आगे बताता हूँ क्या होने वाला है क्या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा ये वाला जो वीडियो है ना, बहुत हार्ड लेवल का होने वाला, मतलब बोले तो ऐसा देख के आप के होश उड़ जाएंगे, ऐसा वाला सीन हो जाएगा। चलिए मिल जाएगा। हम लोग एंटर कर रहे हैं गाइस, ग्राउंड है वो देख सकते हैं कितनी भीड़ है। चलिए चलते हैं, मिलते आगे। मेरा भाई ऊपे सफारी भाई। ढिल्ला छोड़ बदन, ढिल्ला छोड़, सुनो सांस ले, लंबा लंबा सांस ले, ओम शक्ति, ओम शक्ति। अरे फेंक के कौन यार, चल भी कितना है। ये कौन है उधर, चल भाग, चल भाग, ओम शक्ति। कितना अच्छा छोड़ा, हल्का छोड़ा, इसके लिए गया अभी। तू छोटा लड़ा अडरा अडरा अडरा
अंदर बोल रहा है देख सकते हैं गाइस क्या क्रेजी लेवल स्टैंड है। मेरी माता की कृपा है।
से निकल रहे गाइस दिल्ली के लिए। ये अपनी गाड़ी आ गई, ये गाड़ी खींचेंगे अभी, ये हुक लगा हुआ पीछे इसी से गाड़ी खींचेंगे। बहुत क्रेजी होने वाला है, वीडियो में बने रहो। देख सकते हैं देखो गाइस देख सकते हो गाइस कितने बंदे हैं। आस्था बोलते भाई आस्था।
अरे गजर है, गजर है, पीछे 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 जाओ, पीछे जाओ, दिला दिला। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा मत पकड़े, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा पकड़, ऐसा पकड़, कुछ नहीं होएगा, खुशी वाली साल वाली साल वाली साल ओम शक्ति। गाइस अभी आधा घंटा पहले मैं रूम पे आया, अभी नहीं आधा घंटा पहले आया, जब सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो एक उधर से कुछ लेके आया था खाने के लिए, तो खाया, थोड़ा रेस्ट किया 10 मिनट 20 मिनट, और उधर इतनी क्राउड थी कि बीच बीच में बोल भी नहीं पाया, और बोलता तो कुछ आवाज़ नहीं था, क्योंकि माइक है नहीं मेरे पास, अभी माइक लूँगा थोड़ा, तो कुछ दिन के बाद, अभी पैसा वैसा है नहीं, तो आप लोग खुद देखे ही होंगे कि कैसा क्या हुआ क्या नहीं, मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं था कि कैसा होता है ऐसा होता है, वो तो विनीत के साथ गया तो देखा मैं, आज तक तो जिंदगी में पहली बार देखा मैं कि ऐसा भी होता है, मतलब आस्था में इतना भी लोग करते हैं, क्योंकि वे आम बात नहीं है भाई, पीछे हुक लगा के गाड़ी को खींचना, हम लोग तो ऐसे तो हाथ से कोई भी गाड़ी को धक्का नहीं लगा सकते अकेले, और वो गाड़ी खींच रहे थे भाई, मतलब बहुत खतरनाक काम है ये सब, लेकिन वो है कि ऊपर वाले हैं, उनके साथ देवी है, उनके साथ वो मानते हैं देवी को, तो वो कर लेते हैं, तो बाकी तो आप लोग वीडियो में देखा ही है क्या हुआ क्या नहीं क्या नहीं, तो उधर बीच बीच में तो बोल नहीं पाया कि ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, जो भी आप देख ही सकते, आपको पता चल ही रहा है, क्योंकि उधर इतना क्राउड था कि बोलता या ना बोलता कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और इतना बड़ा रैली था, बहुत बड़ा रैली था, लगभग 5 गाड़ियाँ खींची है, मतलब 5 गाड़ियाँ खींची, त्रिशूल वाले तो बहुत सारे थे, वही 10-15 होंगे, गिना नहीं मैं, तो मुझे जाके तो बहुत मज़ा आया, सुबह से कुछ खाया नहीं, लेकिन ऐसा लगा नहीं था कि कुछ है, जब रूम आया तब मेरे को लगा कि नहीं अब कुछ खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मतलब सीन ही था उधर, ऐसा डेंजर सीन ही था कि देख के ही भूख नहीं लग रहा था, बस सोच रहा था भाई कैसे कर लेते हैं ये सब, कैसे कर सकते हैं, तो ये मैंने सेकंड ब्लॉग जो डाला था मेरा, जो क्या बोलते हैं मंदिर का जो डाला था, मुत्तुमारी अम्मा मंदिर जो डाला था, तो वो जो देवी है मुत्तुमारी अम्मा जो भी है देवी हैं, वो देवी का ही मंदिर है, तो उन्हीं के लिए वो उस दिन कंगन बनवाया विनीत, तो वो बनवाने के बाद 7-8 दिन लगभग उपवास रखना पड़ता है, मतलब उपवास ऐसा नहीं कि कुछ खाए नहीं, खाता है, जैसे पलाली हो गया या उपवास में जो खाया था साबुदाना ये हो, तो वो खा के 7 दिन रहते हैं, फिर वो जो आज जो लास्ट था त्रिशूल पूजा, आज उनका लास्ट रहता है, तो आज बस वो भोजन त्रिशूल लेते हैं, भोजन उप लेते हैं, मतलब बहुत तरह का होता है, तो आप तो वीडियो में देखे होंगे कितने तरह के हो गए, कोई गाड़ी खींच रहा था तो कोई ठेला खींच रहा था तो कोई और कुछ, बहुत मज़ा आया लेकिन देख के, आज तक तो मैं देखा नहीं, जिंदगी में पहली बार देखा,
लेकिन इतना खतरनाक भी होता है कि मुझे मालूम ही नहीं था। तो जो भी छोटे छोटे चीज़ हो, छोटे छोटे या बहुत, ये तो मेरे लिए बहुत बड़े, मुंबई में ये किसी के लिए छोटे, सबके लिए छोटे होंगे लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़े, क्योंकि ऐसा मैंने देखा ही नहीं था आज तक। तो जो भी है, छोटा मोटा बड़ा छोटा जो भी है, सब मैं धीरे धीरे दिखाऊँगा। मेरे से जितना हो पाएगा मैं अपना मेहनत करते रहूँगा, आप लोग के बीच लाते रहूँगा, वीडियो ब्लॉगिंग ब्लॉग करते रहूँगा, छोड़ना नहीं है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ओके। अब थोड़ा टाइम हो गया, खाना वाना खाएंगे, बनाने का टाइम हुआ, थोड़ा बना लेते हैं, खा लेते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। तो होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिलहाल के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।